हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई इन ओडिया। आमे पढ़ुचे क्लास 10 साइंस रो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। एटा होची पार्ट नंबर 3। तो जो माने पूर्णा पार्ट देखी नांती तळे दिया जायतिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक को जाके समाने पूर्णा पार्ट देखि परिबे। लास्ट पार्ट रे आमे न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़तिले, तो सेठी एनिमल आ प्लांट रो न्यूट्रिशन प्रोसेस सर जाईची। तो एई पार्ट रे आमे स्टार्ट करबा रेस्पिरेशन रो। ठीक अछि, फटाफट स्टार्ट करबा पार्ट 3। रेस्पिरेशन, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन आमे कोन पढ़िले, आमर सब सेल को पाखरे जाय कि आमर न्यूट्रिशन पहुंची गला। हाँ कि नहीं, आमे जत बड़े विलेज कथा पढ़िले, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ने विली अछि, विली रे ब्लड वेसल्स थांते, ब्लड वेसल्स माने से आब्जॉर्ब हेतिबा न्यूट्रिशन को नेकि आमर सब सेल पाखरे पहुंचते। तो से सेल पाखरे पहुंचला परे कोन हुए, सेथरो एनर्जी बाहरे। हाँ कि नहीं, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आमे जहाँ भी खाइचे ताकु से ग्लूकोज रे, सुक्रोज रे, फ्रुक्टोज रे किबा अमीनो एसिड रे, हाँ फैटी एसिड रे सब कन्वर्ट कराई। तो आमर प्रथम जिनस होउची एनर्जी पाइबा ग्लूकोज को से कोन करिवो, ब्रेकडाउन करिवो। ग्लूकोज होउची गोटे 6 कार्बन मॉलिक्यूल, हाँ आम जाने C6H12O6। तो से कार्बन के सिक्सटा अच्छी, तो से कहला द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को प्रथम से ब्रेकडाउन कर इंटु अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट। 6 कार्बन थिबा ग्लूकोज को से 3 कार्बन थिबा गोटे नुआ मॉलिक्यूल जार ना होची पाइरुवेट से कन्वर्ट कर। एटा होची प्रथम स्टेप एनर्जी पाइबा पई। आमर फर्स्ट स्टेप होची ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके पाइरुवेट रे कन्वर्ट करबा। ग्लूकोज होची 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पाइरुवेट होची 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक अछि, व्हिच टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। एटा साइटोप्लाज्म रे हबो, सेल रा साइटोप्लाज्म थाए, हाँ फ्लुइड सब्सटेंस आमे जानिचे जोटा कि आमर सेल वाल बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रा भितर पार्ट रे थाए, मछि पार्ट रे थाए साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म रे 6 कार्बन ग्लूकोजटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट रे कन्वर्ट हबो। ठीक अछि, नेक्स्ट कोन कहला, द पाइरुवेट मे बी कन्वर्टेड इंटु इथानल एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट कहला, ईस्ट केस रे कौन हुए, ईस्ट गोटे ऑर्गेनिज्म, ईस्ट जत्ते बड़े फर्मेंटेशन हुए, फर्मेंटेशन जो साहय करे से कौन करे, से जो पाइरुवेट जोटा कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल थिला ताकु से कन्वर्ट कर दे इथानल को, हाँ एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। देख पाइरुवेट रो फॉर्मूला हला C3H4O3। आमे पढ़ते पाइरुवेट होची 3 कार्बन, एटे 3 कार्बन अछि। हाँ कि नहीं, इथानल फॉर्मूला लिखाई C2H5OH। तुम्हें इथानल आउ गोटे फॉर्मूला नेट रे पाई परिबो। तो इथानल होची 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक अछि ना नहीं, तो आमे कौन पढ़िले, प्रथमे साइटोप्लाज्म रे कौन होची 6 कार्बन मॉलिक्यूल टा 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट को कन्वर्ट होची। तापरे कौन होची ईस्ट केस रे, केवल ईस्ट केस रे जेतेबेले फर्मेंटेशन हुए सेतेबेले सेई पाइरुवेटटा इथानल आउ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट हो जाए। ठीक अछि, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द आबसेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जेतेबेले ऑक्सीजन रो किंबा एयर रो आबसेंस रे गोटे प्रोसेस होउची। ठीक अछि ना नहीं, हाँ जेतेबेले पाइरुवेटटा इथानल को कन्वर्ट होउची ताकु आमे कहबा एनारोबिक रेस्पिरेशन। बुझेला, ऑक्सीजन रो आबसेंस रे, एठी ऑक्सीजन न थाए, ऑक्सीजन रो यूज हुए नै, सेति पई एटा होची एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन रे 3 कार्बन मॉलिक्यूल जोटा कि पाइरुवेट सेटा कन्वर्ट हो जाउची 2 कार्बन मॉलिक्यूल जोटा कि इथानल को किबा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक अछि, तो नेक्स्ट कोन कहले, देखो द पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इंटु लैक्टिक एसिड व्वेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एई केस रे तो आम पढ़िले आबसेन्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन नथिला, हाँ सेतबेले से इथानल को कन्वर्ट होतिला, पाइरुवेटटा इथानल को कन्वर्ट होतिला। जदि ताकु ऑक्सीजन मिलिबो किंतु अल्प परिमाण रे मिलिबो, लैक ऑफ ऑक्सीजन माने कोन, कम परिमाण रे ऑक्सीजन मिलिबो। जदि पाइरुवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन बा कम परिमाण रे ऑक्सीजन मिलिबो ताहाले पाइरुवेटटा लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट हो जीवो। मनेला, तो आमे एठी दुटा जिनस जानले,
ଯେତେବେଳେ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଉଛି ପାଇରୁବେଟ୍ଟା ଇଥାନଲ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଉଛି ପାଇରୁବେଟ୍ଟା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? C3H6O3। ପାଇରୁବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 3 carbon molecule, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 3 carbon molecule, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ 3 carbon molecule। ଦିସ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଅଫ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ମସଲ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ସଡନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଜେସ୍ କ୍ରାମ୍ପସ୍। ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତମେ ଯଦି ରନିଂ କରୁଥିବ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତମ ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ପେନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଡ୍ ହୁଏ, ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ନିଡ୍ ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମାତ୍ରାଟା ତ ଏତେ ଅଧିକ ଆମେ ନେଇପାରୁନା, ଆମକୁ ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ନେଇପାରିବା, ତ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କମି ଦେଖାଯାଏ, ହଁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଠି ହେଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା ସେଠି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ ହୁଏ। ମନେ ରହିଲା, ଯଦି ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, କିମ୍ବା ତମେ କିଛି ସମୟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତମ ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କାରଣ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଠୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ କରେ, ମସଲ୍ସରେ କ୍ରାମ୍ପ କରିଦିଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଦ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଏଠି କ'ଣକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା, ଦ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ 3 molecule କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର। ସେ ତିନିଟା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେବ ଏବଂ ୱାଟର ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମକୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଦେବ। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହୁଏ, ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ସେଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ବ୍ଲଡ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପଶିଲା, ପଶୁ କ'ଣ ହେବ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ 3 carbon molecule ପାଇରୁଭେଟ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ୱାନ୍ସ ସେଇଟା ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା ଯିବ ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ, ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେଇଟା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ଏଇଟା ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ହେବ। ସିନ୍ସ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ଅର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଆନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ତ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ତମେ ଲେଖିବ ଆନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ଟା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ବା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆଉ ଆରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ଟା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆମର କେଉଁଥିରେ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟରେ ହୁଏ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ହୁଏ, ଆମର ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରେ, ଆମକୁ ଇଥାନଲ୍ ବାହାରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆମର କ'ଣ ବାହାରେ, ଆମର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ବାହାରେ। ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯାଇକି ସେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଟାକି 6 carbon molecule। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ 3 carbon molecule ବା ପାଇରୁଭେଟ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ, ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା ଇଥାନଲ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜିକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିବ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ କେଉଁଥିରେ ହେବ, ଇଷ୍ଟରେ ହେବ। କ'ଣ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ, ଇଥାନଲ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜି। ସେମିତି ଯଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ମସଲ୍ ସେଲ୍ରେ ହେବ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜି। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମସଲ୍ରେ କ୍ରାମ୍ପ ହେବ, ହଁ, ଯେଉଁ ମସଲ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ ସେଇ ମସଲ୍ରେ କ୍ରାମ୍ପ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ମସଲ୍ସ କନ୍ଭର୍ଟ ଟୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ 3 carbon molecule। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ମାଇଟୋକୋଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ ହେବ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ୱାଟର୍ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଦେବ। ତ ପାଇରୁଭେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି, ସିଏ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇବା ଖାଉଛେ ସେ ଖାଇବାରୁ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କହିଲା
The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel other activity in the cell. जो एनर्जी टा मिलेला एट जो सेलुलर रेस्पिरेशन है कि जो एनर्जी मिलेला एठी भी मिलेला से एनर्जी कौन हुए गोटे मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करे गोटे मॉलिक्यूल को गढ़ीबारे सहाय्य करे से मॉलिक्यूल रो ना कौन एटीपी आमे गत वर्ष एटीपी विषय रे पढ़ीचे हाँ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जोटा माइटोकॉन्ड्रिया रे तैयारी हुए आमे जानीचे हाँ कि नहीं तो सही कथा से कहला द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ए रेस्पिरेशन रो जो एनर्जी आमको मिलला सेटा कौन करे एटीपी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करिबारे सहाय्य करबा एटीपी मॉलिक्यूल तैयारी होबारे सहाय्य करे आउ एटीपी रु ही आमे बाकी कार्य करिया पे बळ पाऊ तमे पचारिबो सर ए एनर्जीटा तो डायरेक्ट आमे कार्य करिबारे कोन असुविधा हितांदा नाही मन रखो एठु जो सेलुलर रेस्पिरेशन जति के एनर्जी मिलिबो तार अमाउंट एटीपी तुलना रे बहुत कम आमको एटीपी रो बेसी एनर्जी मिले जोटा कि सेलुलर रेस्पिरेशन अनुपात रे आमको कम मिली थांदा तो सेति पई सेही एनर्जी टा प्रथमे कोन करे सिंथेसाइज करे एटीपी मॉलिक्यूल को तैयारी करिया पई इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल तापरे एटीपी भांगी की आमको गोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी दबो गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पर्टिकुलर गोटे एटीपी भांगिले आमको एतिके अमाउंट रो एनर्जी मिलिबो गोटे फिक्स अमाउंट रो एनर्जी मिलिबो आउ सेल रे एंडोथर्मिक रिएक्शन हबो हां सेठी आमरो हीट रिलीज हबो ठीक अछि एंडोथर्मिक रिएक्शन सेठी हबो तो एटीपी कोन भल कि बुझिबा एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस आमरो सेल रे जहां भी प्रोसेस होउछि जहाँ भी प्रोसेस सेलुलर प्रोसेस जहाँ भी होची तापाई एनर्जी आमको एटीपी रु मिले द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ए जो सेलुलर रेस्पिरेशन एटा होचो सेलुलर रेस्पिरेशन एठो जो आमे पाइले एनर्जी पाइले सेटा कोन रे काम रे आसीबो एटीपी मॉलिक्यूल तयार करिवारे काम रे आसीबो एटीपी मॉलिक्यूल केमिति तयार हुए एडीपी संगरे जतबेले गोटे फॉस्फेट मिसे एडीपी प्लस फॉस्फेट हां इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जतबेले मिसिबो सेठी सही एनर्जी रे जो एनर्जी रा हमर सेलुलर रेस्पिरेशन मिलिथिला से माने मिसि कि हमकु एटीपी देबे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ठीक है तो नहीं एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन एठो गोटे एंडोथर्मिक प्रोसेस हबो सेठो कौन हम एटीपी भांगी जीवो व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर एठी जो लिंक है कि थिबो ए जो एडीपी संगे ए जो फॉस्फेट टा मिसिला सेटा कौन हम वाटर संगे रे मिसि के एटा ब्रेक हे जीवो भांगी जीवो एडीपी फॉस्फेट संगे रे मिसि के एनर्जी 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 मिसि के एटी एटीपी हेतिले हां बा एडीपी और फॉस्फेट एनर्जी रो प्रेजेंस रे एटीपी हेतिले सेही एटीपी टा पूर्ण भांगी की एडीपी और फॉस्फेट हेबे सेई जो भांगीला बेले जत ब्रोक हबो वाटर यूजिंग हे कि ब्रोक हबो सेत बेले एनर्जी बाहरिबो द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल बुझ पले कि नै आमे जो पढतले फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी तो केते एनर्जी मिले 30.5 किलोजूल पर मोल एटा हला एटीपी रो एनर्जी कैलकुलेशन ठीक अछि नै तो प्रथमे आमे देखिले सेलुलर रेस्पिरेशन रो मिलिथिबा एनर्जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे फॉस्फेट को लिंकेज करौछि ताको मिसौछि ट्राइफॉस्फेट मिसी की फॉस्फेट संगे ट्राइफॉस्फेट हे जाउछि पुणी आमे देखले एई ट्राइफॉस्फेट पुणी वाटर यूजिंग हे कि भांगी जाउछि पुणी एडीपी आउ फॉस्फेट होउछि जेतेबेले से ब्रेक होउछि सेठी गोटे एंडोथर्मिक प्रोसेस होउछि आ सेठो एनर्जी बाहरछि केते एनर्जी बाहरछि 30.5 किलोजूल पर मोल एबे तमे बुझ पाल जे आमे काहे के ए जो डायरेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन रो एनर्जी को यूज न करके एटीपी रो एनर्जी को यूज कर छे कैना एटीपी रो एनर्जी बहुत हेवी बहुत हाई जोडा के हमर डेली नीड कार्य करिया पे जहा जहा हमकु एनर्जी दरकार सेटा हमकु एटीपी रो ही मिली पारिबो ठीक अछि तो एठे आमे बुझले एटीपी कोन एटीपी केमते काम करे सेलुलर रेस्पिरेशन रो कोन होए नेक्स्ट देखिबा कहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन Organism need a continuous supply of oxygen and carbon dioxide produced during the process need to be removed from the body. देखो
एरोबिक रेस्पिरेशन हबा पई आमको कोन दरकार कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दरकार सत कथा आमे जानिले एरोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन दरकार हुए बेली सेति पई से कहला आमको सब बेले ऑक्सीजन बॉडी को दरकार सेति पई आमे ऑक्सीजन को इनहेल करूचे हां कि नाही आउ कोन कहला एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव आमर जेतेबेले सेलुलर रेस्पिरेशन होउचे एरोबिक ये रेस्पिरेशन रे सेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुचे एट देखो आमे एटी आम पाखे ग्लुकोज थिला पायरुवेट थिला आमर एरोबिक रेस्पिरेशन हला कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला ताल से कार्बन डाइऑक्साइड आम बॉडी रहीगला ताकू आमको बाहर करिवार अछि तो सही कथा से लेखिला जे आमर कार्बन डाइऑक्साइड जोडा प्रोड्यूस होउचे ताकू रिमूव करिवार अछि बॉडी रो बाहर करिवार अछि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आमे आमर आमर लंग्स अछि आमर नोस्ट्रिल्स अछि आमे गोटे प्रोसेस रे गोटे पर्टिकुलर प्रोसेस रे आमे ऑक्सीजन नौचे और कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुचे तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म समस्त आम भलिया नोस्ट्रिल बाटे नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ी पारिबेनि नोस्ट्रिल बाटे छाड़ी पारिबेनि बा आमर जो प्रोसेस अछि सब ऑर्गेनिज्म रो सेम प्रोसेस नहीं तो ऑर्गेनिज्म मानकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस अछि डिफ्यूजन इज द मेथड व्हिच इज यूटिलाइज बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस डिफ्यूजन प्रोसेस आम पढ़ीचे एक्सचेंज ऑफ गैस लास्ट ईयर आम पढ़ी हाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो सही प्रोसेस रे मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर आउ केतरा प्लांट मध्य से माने कौन करते डिफ्यूजन प्रोसेस रे गैस एक्सचेंज करते आमोइबा कथा धर आमोइबा को मन कर ऑक्सीजन दरकार सी आटमोस्फियर डायरेक्ट ऑक्सीजन पाइपर कहीं तार गोटे सेल तार समग्र बॉडी वायुमंडल कॉन्टैक्ट रे अच्छी आटमोस्फियर कॉन्टैक्ट रे अच्छी किंतु आमर सबुतक बॉडी पार्ट आटमोस्फियर कॉन्टैक्ट रे अच्छी ना आमर हार्ट टा भितर अच्छे हार्ट टा कौन आम आटमोस्फियर कॉन्टैक्ट रे आसुचे कि आसुनी तो हार्ट को आम ऑक्सीजन दरकार तो आम डिफ्यूजन करसीजेन पाइपर ना हाँ कि ना तो डिफ्यूजन रे किए कर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स करें गच्छ तुम देख हाँ इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गच्छर स्टोमाटा अच्छी आम लास्ट पार्ट रे पढ़ीचे स्टोमाटा बाटे तार गैसियस एक्सचेंज मध्य हुए वाटर वाटर मध्य से बाहर को छाड़े तो डिफ्यूजन मध्य प्लांट रो मध्य डिफ्यूजन हेकि तार से गैसियस एक्सचेंज करि पारे से कार्बन डाइऑक्साइड भी नौचे आउ ये भी छाड़ी पारुचे से बाटे हाँ कि ना कहला गिल्स आर रिसेप्टरी ऑर्गन फॉर फिशेस माछ माने केमिति नेबे गिल्स द्वारा नेबे गिल्स द्वारा से माने ऑक्सीजन पाई परबे कोठो पानी रो फिशेस टेक इन ऑक्सीजन व्हिच इज डिसॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स माछ माने पानी रे जो ऑक्सीजन टा डिसॉल्व हे कि अछि सेइटा को से माने गिल्स द्वारा सेपरेट करके से ऑक्सीजन को यूज करबे कहना माछ तो आटमोस्फियर नहीं पारे कहना से तो पानी भितर रोचे तो पानी रे डिसॉल्व होता पानी रे मिसिकी ऑक्सीजन को सी तार गिल्स बा गालिसी द्वारा सी ऑक्सीजन टा ग्रहण कर पारे सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर मानेला जेहेतु ऑक्सीजन रो अवेलेबिलिटी टा कम कोठे पानी रे सेथिपाई से कौन करिबो तार ब्रीदिंग टा जल्दी जल्दी करिबो तमे जदि एक्वेरियम रे थिबा फिश को देखिबो देखिबो जे से बहुत जल्दी जल्दी ता पाटी को पाकु पाकु करुचे काहेकि ना से स्पीडली पानी नबा को पडुचे आमर वायुमंडल रे जत्ते ऑक्सीजन अछि पानी रे सेते ऑक्सीजन नाही किंतु ताकु जत्ते कि ऑक्सीजन नीड अछि से केमिति करि परिबो से कोन करिबो अधिक स्पीड रे ब्रीदिंग करिबो हां कि ना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आम भाया जो स्थलचर प्राणी अच्छा जो मैंने लैंड रोचे से कौन कर लंग्स द्वारा गैसेस एक्सचेंज करमर लंग्स अच्छे आम फुसफुस द्वारा आम गैस को एक्सचेंज करे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरिस्टेरियल एनवायरमेंट सो ब्रीदिंग रेट इज लोअर एज कंपेयर टू व्हाट इज इन द फिशेस माछ आम तुलन में ब्रीद जल्दी कर स्पीड कर कहीं पानी में कम ऑक्सीजन अच्छे आटमोस्फियर अधिक ऑक्सीजन अच्छे तो आमको ऑक्सीजन इनटेक करिवारे किसी प्रॉब्लम हुए नहीं आम स्लो ब्रीदिंग करू आउ फिशेस माने बेसी जोरे ब्रीद करते बुझेला तो ये आमर ए पार्टी सरी जाइए छोटिया पार्टी से कि नुआ जिनस ना केवल आम पायरुवेट कथा जाणिले पायरुवेट रो एरोबिक रेस्पिरेशन आउ इनारोबिक रेस्पिरेशन आबसेन्स अफ ऑक्सीजन
प्रेजेन्स अफ अक्सीजेन आउ ल्याक अफ अक्सीजेन सेथरा कौन प्रडक्ट मिलूँ एसबू विषय में धारणा पाइले एवं एटीपी को किभली भाव में आम एनर्जी पाईपे एटीपी केमी सिंथेसाइज होउची से विषय में आमको आईडिया है तो यही पार्टी को आम ये रखा जदि किसी पार्ट रिलेटेड किसी क्वेश्चन तुम मन में डाउट अच्छे तुम मतलब कमेंट्स पचारि पार मु तुमको तार आंसर देदेवि ठीक अच्छे रोचे बाय बाय थैंक यू हाव अ गुड डे।